हेलो एंड वेलकम टू प्रणाति आई एस तो आज के इस वीडियो में आपको बताने रहा हूँ मैथमेटिक्स ऑप्शनल यो तो मेरा मैथमेटिक्स से दूर दूर तक तो कोई वास्ता नहीं है पर आ, मेरे अपार्टमेंट में एक प्रोफेसर है जो आईटी कानपुर में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं ठीक है तो और उन्होंने भी आज से छः सात साल पहले इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेस का एग्ज़ाम पास किया था मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेकर ही तो ठीक है तो उन्होंने नहीं गया वो आईआईटी कानपुर में ही एज अ प्रोफेसर वर्क करना ज़्यादा पसंद किए फिर भी तो उन्होंने रेफ़र किया है मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये मैथमेटिक्स ऑप्शनल आप यूपीएससी पी हो आई ओफ आई एफ हो या फिर बीपीएससी का मेंस हो या फिर बीपीएससी पी को नई वैकेंसी आए बीपीएससी एएओ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो पहले हम बात करते हैं पेपर वन की ठीक है फॉर पेपर वन वो है लीनियर अलजेब्राबाई हॉफ मैन एंड कुंजे हॉफमैनन कुंजे की ठीक है दूसरी बुक है कैलकुलस कैलकुलस इसमें दो बुक आती है एक डिफ्रेंशियल कैलकुलस एक इंटीग्रल कैलकुलेशन भाई शांति नारायण ठीक है दो बुक आती है उसके बाद वेक्टर एनालिसिस बाय मुर्रे स्पीजल मुर्रे स्पीजल और चौथी बुक है डायनेमिक्स बाय एम रे ठीक है डायनेमिक्स बाय एम रे अब बात करते हैं पेपर टू के लिए यू में पेपर टू और अगर बी पी एस की तैयारी करते हो तो उसमें एक ही पेपर में आठों पे ये छः सात बुक जो है वो छः सात बुक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक है पहली बुक है लीनिया प्रोग्रामिंग बाय एस डी शर्मा अलजेब्रा बाय के सी प्रसाद रियल एनालिसिस बाय एच एल एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस बाय एस एस शास्त्री ठीक है इसके बाद एक दो बुक है जो आपको बीपीएससी में काम नहीं देगा लेकिन आप अगर यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं या आईएफएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा वो है आपको डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिज़ाइन बाय एम मॉरिस ठीक है ये बुक आपको बीपीएससी में काम नहीं देगा बट यू के लिए आपको पढ़ना होगा इसके साथ ही एक मैकेनिक्स एंड फ्लूड डायनेमिक्स बाई एजोरेफ ठीक है ये भी आपको बीपीएससी में काम नहीं देगा लेकिन यू में पढ़ना होगा एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाई जी के रंगनाथ जी के रंगनाथ ये जो है आपको बीपीएससी पी दोनों के लिए काम लायक -like सब बुक है एंड आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक है एंड मैथमेटिक्स में और जितना बुक आप बना है वो ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस हाँ लेकिन जो हमारा बिहार है यहाँ के बच्चे क्या करते हैं जब तक तो नोटिफिकेशन आ नहीं जाता है अपकमिंग uh, एग्ज़ाम्स का या फिर जब तक वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर जाते वो तैयारी नहीं करते हैं तो ये स्पेशली उनके लिए है कि कम बुक्स में ही ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ पाए अगर जो सीरियस है, हैं जो यू पी एस सी एस वो यूजली आई आई टी एम से होते हैं उनको तो मेरे से ज़्यादा ही पर मेरे से क्या बहुत बहुत ज़्यादा वो लोग बना चुके हैं ऑलरेडी तो वो लोग तो अपने अकॉर्डिंग चले ये वीडियो उनके लिए जो उतना नहीं पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते पर अब लग, र, र, रखना चाहते हैं उनके लिए ठीक है तो थैंक यू